अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ करेले की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी जो मैंने बहुत ही कम मसालों में बनाई है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। करेले जो कि कड़वे होते हैं तो बहुत से लोग करेले की सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते, तो इस वीडियो में मैं आपको करेले की सब्ज़ी बनाने का ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे करेले का कड़वापन कम हो जाएगा और आपकी करेले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं बनेगी। तो फिर चलिए देखते हैं ये करेले की सब्ज़ी मैंने कैसे बनाई है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दें। तो करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने करेले लिए हैं 500 ग्राम, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। करेले की स्किन को मैंने बिल्कुल भी रिमूव नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसे रिमूव कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर करेले की सब्ज़ी हल्की कड़वी पसंद की जाती है, इसीलिए मैंने इसे रिमूव नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी स्किन को हल्का सा चाकू की मदद से रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भी आपकी करेले की सब्ज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं बनेगी। प्याज लेंगे हम 2 बड़ी साइज़ की, इस तरह से लंबाई में कटी हुई। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए मैंने बारीक कटे हुए, आप इसकी जगह पे टोमेटो प्यूरी भी ले सकते हैं। हल्दी पाउडर लिया मैंने 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची का पाउडर लिया मैंने 2 टीस्पून, नमक लेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें चाहिए हमें करेले की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो फिर चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेले को तवे पर अच्छे से भून लेंगे, आप इसे कढ़ाई में भी भून सकते हैं। तो 5 से 6 मिनट तक हम इन करेलों को पहले अच्छी तरह से भून लेंगे। तो करेलों को 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसे निकाल लेंगे तवे से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन करेलों को बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे। तो नमक को करेले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर रख देंगे साइड में 1/2 घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है, 1/2 घंटा पहले हमने जो करेलों में नमक लगा कर रखा था उस वजह से करेले ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो इसे हम 5 मिनट और इस तरह से मस लेंगे। तो 5 मिनट इसे अच्छे से मसलने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और इसे वॉश कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसे प्रेस करके इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे और इसे प्लेट में रखते जाएंगे। तो देखिए मैंने सारे करेले पानी से निकालकर प्लेट में रख लिए हैं। तो अब हम इसके आगे की प्रोसेस करेंगे। तो फिर चलिए हम अपने गैस स्टोव की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें ये कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए अब ये जो प्याज है वो सॉफ्ट हो चुकी है, तो हम इसमें ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे। इसी के साथ ही हम इसमें ये नमक डालेंगे, लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें 2-3 कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, और ये हल्दी पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। तो बस यही सिंपल मसाले मैंने इसमें डाले हैं। अगर आप ज़्यादा मसाले वाला खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस हम इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी लीड बंद करके हम इसे पकने देंगे लो फ्लेम पे, ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो कुछ देर इसे लो फ्लेम पर पकाने के बाद देखिए हमने जो इसमें टमाटर ऐड किए थे वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ये करेले ऐड कर देंगे। तो करेले को भी हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसकी लीड बंद करके इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट पहले पकने देंगे। इसमें हमें बिल्कुल भी पानी अभी ऐड नहीं करना है। तो देखिए मैंने इसे 8 से 9 मिनट इसी तरह से लो फ्लेम पर ढककर पकाया है और ये जो करेले हैं ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं।
लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो करेले हैं वो अभी नहीं गले हैं और वो तले में चिपक रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और इसे फिर सॉफ्ट कर लें। तो ये जो हमारे करेले हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो मज़ेदार सी हमारी करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, और यकीन मानिए इसका जो करेले का कड़वापन है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। और अगर इतना करने पर भी आपकी सब्ज़ी कड़वी बनती है तो आप इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपसे ये छोटा सा मजाक किया है, आपको इसमें कोई शक्कर वक्कर ऐड नहीं करनी है, आप बस मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करें तो आपकी जो सब्ज़ी है वो कड़वी नहीं बनेगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका सारा कड़वापन ख़त्म हो जाएगा, करेले की सब्ज़ी है तो थोड़ी बहुत कड़वी तो होगी, लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इस सब्ज़ी को बनाएंगे तो इसका काफ़ी हद तक कड़वापन कम हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, मेरी आपसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए फरहीन को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।